करते इनसैक्ट्स, इनवायरमेंट पोल्यूट नहीं करते इनसैक्ट्स। अगे मैसी वर्ड का मतलब की है, मैसी हुंदा खलारा पाना, गंदा करना, डर्टी। सो दिस इज अबाउट योर पैराग्राफ अनसीन पैसेज। एंड नाउ मूव ऑन टू द टेक्सुअल क्वेश्चन। वट वॉज द हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ लेड? वेयर वर द फ्रेंड्स ऑफ स्वेलो वेटिंग? कितने वेट कर रहे सी ओदी? इन इजिप्ट। मशीन्स गिव अस डैश हैबिट्स। केड़ियां हैबिट दिंदी है मशीन आपां नूं? मकैनिकल। एम की है साइंस दे? मटीरियल एम्स है। ताइयों आपां कहने ना कि कमी है नॉन मटीरियल एथिकल मॉरल वैल्यूज दी, साइंस दा एम नहीं है जो होना चाहिदा है। वट डिड द प्रोफेसर टीच? प्रोफेसर ने की टीच किया सानू? फोकस करन ले। ए सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस दे विच रजे, जिदे विच क्या सी, जे आपां फोकस करांगे 20% दी जगह ते होर भी अपना दिमाग लावांगे, इफ वी यूज द अनयूज्ड पावर, फिर आपां नूं फायदा होगा, आपां ज्यादा आपदी एनर्जीज नूं यूज कर सकांगे, ज्यादा सक्सेसफुल होवांगे। नेक्स्ट है, वट डिड डेला सेल? डेला ने की बेचा सी? हेयर बेचे सी। नईम कौन है? नईम वॉज अ पेंटर। दैन हू हैड एक्चुअली पेंटेड द फोर सीजनस? नईम ने पेंट किते सी उदो जदों ओह ब्लाइंड नहीं होया सी, उदो उन्हें पेंट किते सी। राइस वॉज इन हिज ब्लड। किदे ब्लड दे विच? सूबिया दे। ही न्यू ऑल अबाउट द टैक्टिक्स। टैक्टिक्स हुंदा है, उन्हों सारी सूझ सी, स्कीमा पूरियां ला लैंदा सी ओह राइस बिजनेस दे विच। अगे किन्नी मनी सी जेड़ी पोस्ट स्क्रिप्ट दे विच मिलनी सी? पहला $1,000 दिते गए सी, बाद दे विच उन्होंने कहा सी जे ओह $1,000 वधिया तरह स्पेंड करदा है तां उन्हों $5,000 होर मिलनगे। दैन है पैसेज, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स। दिस मैन की? हैप्पी मैन। एनू कोई बंधन नहीं हैगा, ना उच्चा होंदा ना थले डिगंदा, ए आपदा आप राज करदा है। किसे भी लैंड दा कोई मालक नहीं है, एनू किसे चीज दा कोई डर नहीं, ना एनू कोई हंकार है, ना कोई लालच है। ए कौन है? ए हैप्पी मैन है। सर्वाइल बॉन्ड की है? सर्वाइल बॉन्ड मतलब होप टू राइज एंड फियर टू फॉल। उच्चे होन दी इच्छा ते थले डिगंदा डर, ए हैप्पी मैन नू नहीं हुंदा। ते हूज मास्टर इज अ हैप्पी मैन? की दा मास्टर है? अपने आप दा, हिमसेल्फ। दैन अगे देखो, बैलेट ऑफ सर प्रताप सिंह दे विच की चीज दिखाई गई आपां नू? फाल्स एक्सपोज किया वे, फाल्स कास्ट सिस्टम। एंड हूम डज डेथ नॉट फरगिव? डेथ की नू नहीं छड़दी? किसे नू नहीं छड़दी डेथ, ना वह पुअर है ना वेल्दी, किसे नू नहीं छड़दी। मतलब इत्थे आपां नू ऑप्शन माइटी ते वेल्दी दित्ती है, आपां बोथ ए एंड बी ला दांगे, कुछ होर भी हुंदा तां वी उत्थे ऑल ऑफ अबव आ जांदा। अगे देखो, वन वर्ड फॉर मैनी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट विद फुल अथॉरिटी, एम्बेसडर। आंसर की है? एम्बेसडर। जिम्मे एक कंपनी हुंदी है उदा एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंदे, जो आप देखते हैं कि कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेसिस हुंदे है वो एम्बेसडर्स हुंदे है ना किसी प्रोडक्ट दे, ए मतलब है एम्बेसडर दा। अगे देखो रजे, सिंगल सेंटेंस बनाओ इनू, आप बहुत बार पढ़ी है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि उस चीज ते रोन दा फायदा नहीं जेड़ी पहला ही खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, सुनिया होगा तुसी, ए है इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अगे प्रोवर्ब देखो, अ प्रेफेक्ट इज नॉट रिकोगनाइज्ड इन हिज ओन लैंड। मतलब जेड़ा पर्सन चंगी तरह काबिल हुंदा है ओनू सिर्फ आपदे कंट्री दे विच ही रिकोगनीशन नहीं मिलती, बारले तां ओदी कीमत जानदे हुंदे है, इंपोर्टेंस जानदे हुंदे है। जिवें आपां कहदे ने जेड़ी अपने वैल्यूज अपने घरदियां नूं नहीं पता हुंदी, ओह चीज है इहदे च बेटे। इहदा आंसर है, अ परसन मे बी वेरी टैलेंटेड बट कैनॉट गैट ड्यू इंपोर्टेंस अमंग हिज ओन पीपल। इहदा आंसर ए है। दैन नैक्सट देखो क्वेश्चन बेटे, वट इज ट्रांसलेशन आ गई आपां नूं? साइंस रियली आफ्टर। विज्ञान असल च किस गल दे पिछे है? यू मस्ट डू इट यूअर सैल्फ। ए तुहानूं अपने आप करना पवेगा। ओ कदे आगरा नहीं गया है? ही हैज नेवर बीन टू आगरा। गया है, ये केड़ा टेंस है बेटा? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे विच की लगता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अगे चुप रहो, स्टे क्वाइट, कीप क्वाइट, कुछ मर्जी जेड़ी ऑप्शन हुंदी तुसी लगा सकते सी। नेक्स्ट देखो, डू एज डायरेक्टेड, चंडीगढ़ इज डैश कैपिटल ऑफ पंजाब, द कैपिटल ऑफ पंजाब। इट इज डैश फेवरेट सिटी, इट इज माई फेवरेट सिटी। प्रेपोजिशंस फिल करने हैं। इन मॉडर्न टाइम्स बुक्स आर बीइंग पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सन। अगे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू रीड ऑल ऑफ देम। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन तुसी टू इनफिनिट विद नाल लाके नू ज्वाइन करना है। टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। पिक आउट कडो की है, इहदा है टू एर टू फॉरगिव। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखो बेटा,
ही डिसाइडेड की चीज आऊगी ही डिसाइडेड टू इंक्रीज हिज इनकम बाय आऊगा बेटे थे बाय टेकिंग अ प्राइवेट ट्यूशन दिस इज द करेक्ट आंसर द फर्नीचर ही गेव अस वॉज वर्थ नथिंग इन पंजाबी करो ओ फर्नीचर जेड़ा उन्होंने सानू दिता सी देखो ये फर्नीचर की विशेषता आ गई ना इंपोर्टेंस होगी मतलब द फर्नीचर वॉज वर्थ नथिंग ए सारा सेंटेंस है जेड़ा मेन क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज की है ही गेव अस ठीक है दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज ते आ सारी चीज है जेड़ी दिस इज द मेन क्लॉज जिनू आप बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज नेक्स्ट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका डिस्कवर्ड सेकेंड फॉर्म है मतलब वॉज लगूगा अमेरिका अगे गया वॉज लग गया थर्ड फॉर्म लग गई बाय कोलंबस अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नोटिस अ नोटिस इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर पुटिंग अप ऑन स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग देम अबाउट स्कूल इंस्पेक्शन देखो सीधा देखो इंस्पेक्शन का डे की फिक्स होया 16 अप्रैल 2020 किने लिखा है सीमा मित्तल ने लिखा है प्रिंसिपल है वो गवर्नमेंट स्कूल दी सरहंद विखे वेयर विल द नोटिस बी पुट अप जे नोटिस आप बच्चों एड्रेस करना था स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड से वह होगा दैन आपां मैसेज दिता बेटे मैसेज तुहानू मैं क्या सी कि तीजी लाइन च देखियो मैसेज किदे लई है सूरज लई है मैसेज मैसेज है कि मैसेज है कि पिक मी अप वाइल गोइंग टू ऑफिस टुमारो एज माई कार हैज बीन सेंट फॉर सर्विसिंग इत देखो पिक हिम फ्रॉम ऑफिस टुमारो ठीक है जी अगे मॉस्किटो रिपेलेंट का एडवरटाइजमेंट है केड़ी सूटेबल नहीं है फर्नीचर की कोई गल नहीं आती इस करके फर्नीचर वाला जी लाइन है सूटेबल नहीं है बाकी 5% ऑफ भी होगा फील सेफ भी होगा ठीक है ए वाला सूटेबल नहीं है एक चीज होर सुनो इथे ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है इथे कुछ होर होना चाहिए सी इसलिए इनू कंसीडर आप नहीं कर रहे नाउ वी हैव डन द फोर प्रैक्टिस पेपर नैक्सट मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रैक्टिस पेपर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटे इनू चंगी तरह वीडियो नू देख लो ये थोड़े बेनीफिट लिए है बिल्कुल लास्ट पॉइंट्स ते भी लास्ट टाइम ते भी जे तुसी घंटे दे नाल सारी वीडियोज देखोगे बहुत वधिया तैयारी होगी मैं 100% श्योरिटी दिनी है पेपर सारा आऊगा इन्हां चीजां दे विच्चों इस करके इन्हां वीडियोज नूं देख लो वधिया मार्क्स लओगे बेटे तुसी नेक्स्ट देखो पाई चार्ट देखो बेटा इहनूं तुसी चंगी तरह देख लो 15% 6% 7.3 11 and 0.3 ये आपां नूं शो कर रहा है पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन है 7 बिलियन क्वेश्चन तुसी आप रीड करने हैं इहदे ठीक है अगे देखो ते तीन क्वेश्चन हो रहा है उन्हें देख लो नू वीडियो नू पॉज कर लो ते फिर क्वेश्चन आप दे को लिख के भी रख लो चाहे नाउ मूव ऑन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टेक्सुअल बेस्ड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद सारी बॉडी ओदी हैप्पी प्रिंस दे स्टैचू दी कवर सीगी विद द गोल्ड लीव्स थिन गोल्ड लीव्स द मैन इन द गैरेट वॉज प्ले कौन राइटिंग अ प्ले ही वॉज अ प्ले राइट एक वर्ड आंदा एक होर क्वेश्चन सी ए गैरेट है बेटे जिथे बैठा सी ते जिथे अग बली हुई सी ना ग्रेट सी ए दो एक क्वेश्चन सी जिदे च एक वीडियो च मैं पाया भी है ग्रेट अलग चीज हुंदी है बेटे नेक्स्ट देखो वट इज रियली नीडेड इन द वर्ल्ड टूडे की चीज की लोड़ है अज अंडरस्टैंडिंग क्योंकि ये नॉन एथिकल चीज है मनी दी लोड नहीं फूड मेन चीज आ लोड है या फिर इथे इन्होंने ऑप्शन वो दी जी आप पढ़ी है पर नॉन मटीरियल चीज मर्सी ट्रुथ ऑनेस्टी चैरिटी ए चीजा की ज्यादा लोड है वट इज द ग्रेटेस्ट ट्रायंफ ऑफ साइंस ट्रायंफ जित की है साइंस की साइंस ने की जितया है हाँ जी बेटे मेरे ना फोन की स्पेस घट हुई है मैं नैक्सट वीडियो दे विच तुहानू ये पूरा पेपर दिखानी है तुसी बस एक बार इनू इथे तक देख लो एंड इन द नैक्सट वीडियो आई विल अपलोड द दिस लास्ट पेपर दिस इज द फिफ्थ प्रैक्टिस पेपर हाँ जी देखो बेटे आप नाइन्थ क्वेश्चन ते सी वट इज द ग्रेटेस्ट ट्रायंफ ऑफ साइंस देखो राजे ग्रेटेस्ट ट्रायंफ ऑफ साइंस इथे प्रोडक्शन कह सकते हैं आपां कि उन्हें चीजा बनाई साइंस ने प्रोड्यूस किया है तो प्रोडक्शन आंसर करेक्ट है अदरवाइज वैसे ग्रेटेस्ट ट्रायंफ की है इज टू प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग ठीक है जी वॉर कारण बनिया जरूर है साइंस का पर ट्राइफ नहीं जितनी है ओदी ते अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं अंडरस्टैंडिंग ता साइंस करांदी ही नहीं है तुसी प्रोडक्शन ते क्लिक कर लियो व्हाट इज देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल अनयूज्ड पार्ट व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स डेला ओपन जो डेला ने बॉक्स ओपन किया की निकलिया सैट ऑफ कॉम्स हू कंसोल्ड द ऑथर आफ्टर द फेलियर ऑफ सैकेंड ऑपरेशन नईम हू गेव मनी फॉर द ऑथर थर्ड ऑपरेशन ओ भी नईम ने दिते सी ड्यूरिंग द वॉर सप्लाई की हुंदी है घट जाती है डिक्रीज
ਸੂਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਤੇ ਦੈਨ ਗਿਲੀਅਨ ਲੈਫਟ ਦਾ ਲਾਇਰਸ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੈਨ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਗੋਡ ਓਨਲੀ ਨੋਜ਼ ਸੈਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੈਟ ਵਿਚ ਆਈ ਲੂਜ਼ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਮੀ ਨੋ ਹੈਂਡ ਆਫ ਮੈਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀਅਰ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਅਵੇ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਓਵਰ ਦ ਲੋਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਇਆ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰੈਂਡ ਖੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਦੋਸਤ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਟਰੂ ਫਰੈਂਡ ਫਰੈਂਡ ਦ ਕੰਕਰਰਸ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਟੇਮ ਦ ਡੈਡ ਪਲੇਸ ਫਾਰ ਕੀਪਿੰਗ ਬਰਡਸ ਪਲੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ ਇਹਦੇ ਚ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੈਰੀ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰਵਰਬ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵਰਡਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਜਜਡ ਬਾਏ ਵਟ ਹੀ ਡਜ਼ ਐਂਡ ਨਾਟ ਬਾਏ ਵਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਜਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਡੈਲਾ ਲੈਟ ਹਰ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨਾ ਡੈਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਹਾਓ ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 1995 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਫਸਟ ਦੈਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਲੈਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਫੇਲ ਨੈਕਸਟ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਦੇਖੋ ਆਈ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੂ ਲੁਕਸ ਐਸ ਸਟੂਪਿਡ ਐਸ ਡੈਸ਼ ਆਊਲ ਐਨ ਆਊਲ ਆਊਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਰੈਂਡ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਿਮ ਟੂ ਸੈਂਸਿਸ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਆਫ ਰੋਜ਼ਿਸ ਬਟ ਅ ਬੈਡ ਆਫ ਥੋਰਨਸ ਆਫ ਆਫ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਸੇ ਦੈਨ ਟੂ ਡੂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਗੇਵ ਹਿਮ ਅ ਬੁੱਕ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਕੰਸਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਗੇਵ ਹਿਮ ਅ ਬੁੱਕ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਟੂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਨਾਊਨ ਕਲੋਜ਼ ਚੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਟ ਸੀਮਸ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ ਸੂਨ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ ਸੂਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੈਨ ਦਾ ਬੋਸ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਮਾਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੋਇਸ ਕਰੋ ਹੈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾਏ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਦਾ ਬੋਸ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਆਫ ਦੀਸ ਸ਼ੀਟਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਡਰੈਸ ਟੂ ਇਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹੈ ਡਰਾਮੈਟਿਕਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਮੈਸੇਜ ਅਜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਨੂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਅਨੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਟੂ 11th ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਅਜੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਆਊਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਓਰੀਐਂਟ ਪੈਨ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਲਾਈਨ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡ ਓਰੀਐਂਟ ਪੈਨ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਐਡ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਫੀਲ ਸੇਫ ਵਾਈਲ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਆਇਲ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਲਾਈਨ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟ ਪੈਨ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿਸ ਵਾਜ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪੇਪਰਸ ਦੈਟ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਯੋਰ ਟਰਮ 1 ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ